अस्सलाम वालेकुम किसान भाई, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। ऐसे किसान भाई जिन्होंने घर के अंदर डॉग रखे हुए हैं, चाहे वो पालतू डॉग हैं या रखवाली के लिए रखे हुए हैं, तो उनकी वैक्सीनेशन शेड्यूल जो है वो बहुत ज़रूरी है, उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं अपने किसान भाइयों को बताऊँगा कि वैक्सीन कौन सी लगानी है, कितनी उम्र में लगानी है, और फिर कितने दिन बाद रिपीट करनी है, और चौथी बात कि कौन सी जगह पर लगानी है। तो आज ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। अच्छा, ये आबिद भाई हैं, आबिद भाई के ये डॉग हैं, बुल टेरर जो इनकी ब्रीड है। तो ये आज 45 दिन के हो गए हैं, 1.5 मंथ के हो गए हैं, और 1.5 मंथ की उम्र में पहली वैक्सीन आपने लगानी होती है। तो आज आबिद भाई आए हुए हैं लगवाने। तो ये मेरे हाथ में बायोकेन वैक्सीन है। तो बायोकेन वैक्सीन में एक बोतल के अंदर गोली आती है और दूसरी बोतल के अंदर लाल रंग का पानी होता है। तो आपने करना क्या होता है कि लाल रंग के पानी को जो है वो आपने मिलाना होता है गोली के अंदर। इस तरह ये मैं मिला रहा हूँ। अच्छा, ये ब्लू रंग की वायल है, इसके अंदर जो है वो गोली मौजूद है। असल में बायोकेन की वैक्सीन यही है। तो इसके अंदर मैं मिक्स करने वाला हूँ। तो जो ही आप पानी इसके अंदर डालेंगे तो गोली जो है ऑटोमेटिकली जो है वो घुल जाएगी। इधर ये बात गौर करने वाली है कि आप जब गोली डालेंगे, अगर वो गोली बगैर हिलाए घुल जाए तो समझिए कि ये असल वैक्सीन है। अगर आप पानी डालने के बावजूद वो गोली नहीं घुलती और आपको हिलाना पड़ता है, तो फिर वो समझिएगा कि वो वैक्सीन या उसे प्रॉपर जो है कूल ने उसको किया गया, या वो वैक्सीन में कोई इशू है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। तो इसके लगाने का आप तरीका मैं बताता हूँ। ये मोटी पिन मैं लेने वाला हूँ क्योंकि ये छोटी सुई से क्रॉस नहीं करेगी। अच्छा, अब जब जगह जो है वो मेन चीज़ें लगानी आपने कहा है, तो साथ करो। अच्छा, अब आपने लगानी है जो सबसे बेस्ट है, वो पसलियों के ऊपर जो है वो आपने जेरे जल्द लगानी है। चमड़ा उठा के, इस तरह चमड़ा उठा लें, इस तरह ये बना लें और काबू करें इसको। इस तरह आपने इसके अंदर छोड़ दें। अब इसकी वैक्सीन हो गई, आपने मलना नहीं इसके बाद, ये इसकी वैक्सीन डालनी होगी। यही जगह आपने चॉइस करनी है, इस जगह पे, यह जगह पे आपने लगानी है। अल्लाह हाफिज़।